श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर की पेशकश। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौन थिया में ताए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, प्रगट पहे दे पंजवें गुरु पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत तो बाद सिख धर्म की गुरियाई मेरी पीरी दे मालक छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने संभालते हुए श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना ग्वालियर किले तो 52 राजियां नूं रिहा करवा गुरु जी श्री अमृतसर विखे आ गए। इस दौरान सन 1621 ईस्वी में माता नानकी जी ते गुरु साहिब जी के घर नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश होया। बालक तेग मल जी के प्रकाश दियां खुशियां पूरन अमृतसर मना रहा सी ते संगत नूरानी बालक के दर्शन लई आई हुई सी। इस दौरान श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने रब्बी नूर बालक नू सीस चुका के नमस्कार कीती। इस निराले करम नू वेख भाई बिधि चंद जी ने इसका कारण पूछया तो गुरु जी ने फरमाया कि यह बालक जुल्मा दी जड़ उखाड़ेगा अते संसार दी जांदी होई पत रखेगा। फिर माता नानकी जी ने पूछया कि सारे पुत्रां तो वधीक यह बालक क्यों प्यारा है तो गुरु जी ने हसदे हुए फरमाया कि यह बालक अजर नू जरन वाला धीरज दा तुरंदर आपा हरन वाला है ते जुल्मी संसार नू मानवता दी नवी राह विखावेगा अते श्री गुरु नानक देव जी दा नाम उच्चा करेगा। अज इस पवित्र स्थान ते गुरुद्वारा गुरु का महल सुशोभित है जिथे अज भी संगत धर्म दे राह ते चलन प्रेरणा लेंदी है। गल 17वीं सदी दी है जब मेरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब अपनी यात्रा दौरान कीरतपुर साहिब पहुंचे हुए सन अते गुरु जी ने अपने सब तो प्यारे पुत्र बालक तेगमल जी का रिश्ता अपने अनंत श्रद्धालु भाई लाल चंद जी की सपुत्री बीबी गुजरी जी नाल पक्का किया। सारे पासे खुशनुमा माहौल सी। एक पासे पूरा शहर जगमगा रहा सी ते दूजे पासे पेंदे खान अपनी साजिश विच जुटिया होया सी। उसने अपने साथी काले खान नूं लैके करतारपुर शहर दे उपर हमला बोल दिता जिथे श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने परिवार का टिकाणा किया होया सी। जद गुरु जी नूं इस गल का पता लग्या तां उन्हां ने पेंदे खान नाल जंग का ऐलान कर दिता। इन्हां हालातां विच 13 वरियां दे बालक तेगमल जी भी जंग दे मैदान विच उतर गए ते मुगल सेना नाल युद्ध करन लगे। इस सब तो दूर खड़े माता नानकी जी ने अपने टिकाणे दी छत तो बालक तेगमल जी नूं लगातार जंग विच लड़दियां वेख उन्हां नूं वापस परत आउण दा सुनेहा भेजिया। तद बालक तेगमल जी ने फरमाया कि जंग विचों ही छड के वापस परत आउणा अधर्म है। सूरमा दो तरीकों नाल वापस आता है, जां जीत के जां शहीद हो के।
बालक तेगमल जी नूं सूरमताई नाल लड़दियां वेख गुरु साहिब ने उन्हां नूं थापड़ा दिता ते उस दिन तो ही उन्हां दा नाम तेगमल तों तेग बहादुर हो गया। इस तरह बालक तेग बहादुर जी ने यह सिख्या दिती कि बुरियाई खिलाफ उम्र दी नहीं जज्बे दी लोड़ हुंदी है। श्री तेग बहादुर जी अपने व्याह तो बाद अपने नानके पिंड बकाले आ टिके, जिथे उन्होंने लम्मा समा निवास करदियां अकाल पुरख दी उस्तत कीती। इस दौरान सिख धर्म के अठवें गुरु श्री हरकिशन साहिब जी ज्योति जोत समा गए। ज्योति जोत समाउण तो पहला गुरु जी ने अगले गुरु का संकेत बाबा बकाला आख के कीता। यह सुनदया गुरु की संगत पिंड बकाला पहुंचण लगी। पहुंची हुई संगत विच अपने गुरु के दर्शन लई बेचैनी सी ते चारे पासे निगाह गुरु दे दीदार नूं तरस रही सन। बकाले दा सुन के झूठे पखंडी गुरु बाणे विच आके झूठे गुरु बन बैठ गए ते संगत नूं अपने करतबा नाल लुभाउण दी कोशिश करन लगे। इस दौरान भाई मक्खण शाह लुबाणा पिंड बकाला अपनी अरदास भेट लैके पहुंचया। यह ओ अरदास भेट सी जो भाई मक्खण शाह लुबाणा अपने डुबदे जहाज़ नूं बचाउण लई नौवें पातशाह नूं प्रेम भेट करन आया सी। श्री तेग बहादुर जी इस सब तो दूर निरंकार दे ध्यान विच मगन सन। भाई मक्खण शाह लुबाणा जी ने सब पखंडियां अगे थोड़ी थोड़ी भेट रखनी शुरू कर दिती, पर भाई मक्खण शाह नूं संतुष्टि ना हुई, उस दी आत्मा नूं सकून ना मिलिया। तद किसी ने भाई मक्खण शाह जी नूं श्री तेग बहादुर जी बारे दस्या। भाई साहब ने उत्थे भी भेट रखी ते मुड़ गए। तद गुरु साहिब ने बचन किया कि वायदे मुताबक यह मोहरां घट ने जिहड़ियां जहाज डुबण वक्त मनिया सन। यह गल सुन भाई मक्खण शाह जी हैरान हो गए ते गुरु जी दे रब्बी नूर नूं वेख खुशियां ते खेड़ियां विच जोर नाल झूमण लग पए ते कहण लगे, भोलीए संगते गुरु लब्बा गुरु ला दोरे गुरु ला दोरे। इस तरह संगत नूं नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी दे दर्शन होए। अज इस जगह ते इतिहासिक घटना नाल सांझ पाउंदा गुरुद्वारा भोरा साहिब बाबा बकाला सुशोभित है ते इह पिंड बाबा बकाला दे नाम तो जाणिया जांदा है। यह उस समय की गल है जब मुगलों ने चारे पासे अत्याचार मचाया होया सी। इहो जिहे हालातों विच श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कीरतपुर साहब तो जाण की तैयारी की। इस दौरान पहाड़ी राजे तारा चंद का पुत्र राजा दीप चंद चढ़ाई कर गया अते राजा दीप चंद की पत्नी राणी चंपा ने गुरु साहिब जी ने राजा दीप चंद की अंतिम रसम ते आउण दा संदेश भेजिया। राजा दीप चंद असल विच गुरु साहिब दा श्रद्धालु सी, जिस दे दादा राजा कल्याण चंद नूं श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने ग्वालियर दे किले विचों 52 राजियां समेत रिहा करवाया सी। गुरु साहिब जी राणी दी बेनती ते राजे दी अंतिम रसम लई माता नानकी ते होर सिख श्रद्धालुआं नाल बिलासपुर पहुंचे। अंतिम रसम तो बाद जदों राणी चंपा नूं यह पता लगा कि गुरु साहिब कीरतपुर नूं छड़ के जाण दी तैयारी कर रहे हन, तां उसने गुरु साहिब ते उना दी माता जी माता नानकी जी नूं बेनती कीती कि इना हालातां विच बिलासपुर नूं छड़ के ना जाण अते उस दे नेड़े ही टिक जावण, तां जो राणी चंपा अपने आप नूं बदलदे हालात विच सुरक्षित महसूस कर सके। गुरु साहिब ने राणी दी बेनती स्वीकार करदे नज़दीक ही
ਅਜਿਹਾ ਅਸਥਾਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਿੱਗ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮਲ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਿਖੇ ਆ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਿਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਬਿਆਨਿਆ। ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ 1675 ਈਸਵੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਸੈਫਾਬਾਦ ਆ ਟਿਕੇ। ਇਹ ਨਗਰ ਸੈਫਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਬ ਸੈਫ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਸੈਫ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਨਵਾਬ ਸੈਫ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸੈਫ ਖਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ
उस नूं परमात्मा दे गुणां दा ज्ञान दित्ता। गुरु साहिब कई दिन इस अस्थान ते रुके। आस पास नगर दी संगत रब्बी नूर दे दीदार लई आउण लगी अते अपने जीवन नूं सफल करन लगी। जिस थां ते गुरु साहिब ने अपना वक्त गुजारिया, अज उस अस्थान ते गुरुद्वारा पातशाही नौवीं बहादुरगढ़ शोभनीक है। गुरु साहिब जी दे आउण नाल ए नगर गुरु साहिब दे नाम नाल बहादुरगढ़ तो जाणिया जा। अज चक नानकी दी हर निगाह अपने प्यारे गुरु जी दे दीदार लई उत्सुक सी, क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी कश्मीरी पंडता नाल कीते हुए वायदे लई अज दिल्ली वल रवानगी सी। चक नानकी दे कोने कोने विच ए गल फैल गई। तद गुरु दी हसदी वसदी नगरी पलां विच गमगीन ते उदास हो गई। कई सिख गुरु साहिब दे नाल चलण लई तैयार हो गए, पर गुरु साहिब ने अपने प्यारे सिखां भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी ते भाई दयाला जी नूं नाल दिल्ली चलण लई कहा। माता नानकी जी दे कोल खड़े बाल गोबिंद जी ने अपने पिता जी नूं खुशी नाल तोरिया। जिवें ही गुरु साहिब दे आउण दा संगत नूं पता लगा, तद संगत गुरु जी दे दर्शनां लई इकट्ठी हुंदी गई। औरंगजेब नूं गुरु साहिब जी दे दिल्ली आउण बारे पता लग गया तां ओ क्रोध विच आ गया। उसने अपनी भारी फौज नूं आगरे भेज गुरु जी दी घेराबंदी कर दित्ती। जद औरंगजेब दी फौज दा काफला गुरु साहिब नूं लै के दिल्ली पहुंचिया तां उसने गुरु साहिब दे प्यारे सिखां दे सामने तीन शर्तां रखियां। करामात दिखाओ, इस्लाम धर्म अपनाओ, जां फिर मौत लई तैयार हो जाओ। पर गुरु जी दे सिखां ने भाणा मीठा कर मन्निया। औरंगजेब ने क्रोध विच आ के ते गुरु साहिब नूं डराउण लई भाई मतीदास जी नूं आरे नाल दोफाड़ चीरण दा हुक्म जारी कीता। भाई सतीदास जी नूं रूह विच लपेट के साड़िया गया। भाई दयाला जी नूं उबलदी देग विच उबालिया गया। इस तरह गुरु जी दे तिन्ने प्यारे सिखां ने भाणे नूं मन्नदिया हस हस शहीदियां प्राप्त कीतियां। गुरु दे प्यारे सिखां दी शहादत ए दसदी है कि मानवता दी भलाई तो वड्डा कोई धर्म नहीं। साल 1675 ईस्वी दी नवंबर महीने दी सरद ते काली रात एक दर्द भरिया सुनेहा लेके आई। औरंगजेब दे शाही फरमान नाल नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे परम प्यारे सिखां भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी अते भाई दयाला जी नूं आखर मुगल हकूमत ने भयानक तसीहे दे के शहीद कर दिता। जुलम दी इस हनेरी नाल चारे पासे हाहाकार मच गई, पर गुरु साहिब जी इस सब दे बावजूद अडोल ते अडिग रहे, परमेश्वर दे भाणे विच रहे। औरंगजेब दे दित्ते हुए डरावे भी गुरु साहिब नूं दुला ना सके ते आखर उसने शाही फरमान जारी कर दिता। करामात दिखाओ, नहीं तां मरण लई तैयार हो जाओ। गुरु साहिब ने फरमाया, करामात खुदा दी नज़र विच कहर है, असी सिवाय करतार दे किसे होर विच यकीन नहीं करते। तद औरंगजेब ने गुरु साहिब नूं चांदनी चौंक दी कोतवाली विच सख्त पैरे अंदर रखण दा
हुक्म सुना दिता। अगली सवेर सूरज दी किरण गम ते उदासी दा सुनेहा लेके आई। चारे पासे मुरझाए ते उदासे चेहरे जुलम दी नवी दास्तां सुना रहे सन। काजी ने गुरु साहिब दा सिर धड़ नालों जुदा करन दा फतवा सुना दिता ते फिर जलाद ने चांदनी चौंक विच गुरु साहिब दे पावन सीस नूं धड़ नालों जुदा कर दिता। जबरदस्त हनेरी ते तूफान उठिया अते दिल्ली दे चांदनी चौंक विच चारे पासे सुन्न पसर गई। गुरु जी दी पावन रत नाल धरती लाल हो गई। इस तरह गुरु जी ने अपना सीस दे के एक बार फिर डुबदे धर्म नूं बचाया ते सृष्टि दी चादर बनदिया अपने पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे बचना नूं सही साबित किया। जिथे गुरु साहिब जी की शहादत का यह साका वापरिया उथे गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब शोभनीक है। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੱਤ ਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭਾਈ ਨਿਗਾਹੀਆ ਹੇਮਾ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇਕ ਧੂਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਇਸੀਨਾ ਲੈ ਆਏ। ਅਦਬ ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਮੇਤ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਧੜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਡਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ।